सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं विलाप गीत 3:23 में कहता है कि तेरी विश्वास योग्यता महान है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता विलाप गीत 3:23 में कहता है, उस समय उस शहर पर आई विपत्ति के कारण जो दुख उसे सहने पड़े और लोगों के पापों के कारण जो कड़ा न्याय उन पर आया, उस समय यिर्मयाह भविष्यवक्ता का यह आशा भरा आश्वासन था। परमेश्वर की अटल करुणा और विश्वास योग्यता पर व्यक्तिगत रूप से टेक लेने के कारण यह आश्वासन भविष्यवक्ता के जीवन में आया। मूल रूप से विश्वास योग्यता शब्द का अर्थ है स्थायी, सुरक्षित, भरोसेमंद। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसकी विश्वास योग्यता ने ही आज तक हमें उसके सम्मुख में बनाए रखा। यीशु को विश्वास योग्य कहा गया है। अब प्रकाशित वाक्य 19:11 में पढ़िएगा। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूँगा। सच्चाई मतलब वो भी क्या, एक विश्वास योग्यता है। भजन संहिता 89:1 में पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य है। सबसे पहले उसकी विश्वास योग्यता उसके कौन से स्वभाव से प्रकट होती है, क्षमा के स्वभाव से प्रकट होती है। उसने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा किया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9 में पढ़ सकते हैं, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए केवल यीशु के पास क्या है, सामर्थ्य और अधिकार है। और इस दुनिया में किसी के पास भी अधिकार नहीं है पाप क्षमा करने का। केवल जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ही पास है पाप क्षमा करने का अधिकार। उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए दाम चुका दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, यदि अभी तक आपने पापों की क्षमा प्राप्ति नहीं की तो यीशु के पास आकर उनसे अपने पापों को मान लें। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य क्या नहीं होता, सफल नहीं होता है। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर क्या की जाएगी, दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 में पढ़िएगा, यह बात सच है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। वह सारे संसार का उद्धार करता है। जब हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। हम भी विश्वास योग्यता से दूसरों के पापों को क्षमा करना चाहिए। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वामी हमें दुष्ट दास कहेगा। इसका रेफरेंस आप मत्ती 18:32 में पढ़ सकते हैं। यदि हम नहीं करेंगे माफ़ तो क्या होगा, तो स्वामी हमें दुष्ट दास कहेगा। दूसरे के प्रति हमारे मन में कड़वाहट अथवा नफरत कभी भी नहीं होनी चाहिए। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं, ऐसा भजन संहिता 119:86 में पढ़िएगा। यीशु की सर्वप्रथम आज्ञा है कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय, मन, प्राण और बल से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दूसरों को क्षमा करके प्रेम करने में हम विश्वास योग्य रहना चाहिए। तो क्या आज आप अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करते हैं, क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? आज आप खुद सोचिए और विचार करिए और जांचिए और परखिए। क्या आप, यदि पड़ोसी आपको इतना आपकी चुगली करता, आपकी निंदा करता और आपको भला बुरा कहता है, तो क्या फिर भी आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं? ये बहुत ही बड़ी बात होगी कि हम तो ऐसा प्रेम नहीं रह सकते। लेकिन वाकई में जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है तो वो ज़रूर ऐसा कर सकता है और उसके अंदर ये स्वभाव जरूर आएगा और वो पा सकते हैं। तो ये हमें कितना ही ज़रूरी है कि हमें प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। और देखिए, परमेश्वर ने ऐसे ही पहली आज्ञा नहीं दी है, ये सबसे पहली आज्ञा है कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय, मन, प्राण से प्रेम रखे और सारे बल से प्रेम कर। और क्या लिखा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दूसरों को क्षमा करके प्रेम करने में हम विश्वास योग्य रहना चाहिए। तो हमारा प्रभु दयालु प्रभु है और विश्वास योग्य महायाजक है। इब्रानियों 2:17 में पढ़िएगा, आज भी वह पिता के देने हाथ हमारे लिए विनती करता है कि हम
कि वह हमारी निर्बलताओं, हमारी आवश्यकताओं को जानता है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने का सर्वदा जीवित है। इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आ बंद कर जा सकते हैं कि दया और अनुग्रह प्राप्त करें। कई बार शैतान आकर हम पर दोष लगाएगा और कहेगा कि तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए। ऐसे कई बार हो सकता है, और हम कई बार ऐसे मन में ऐसे विचार भी आता है कि परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन परमेश्वर, ऐसे शैतान आकर हम पर दोष लगाएगा। परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? यीशु मसीह पिता की देने हाथ हमारे लिए विनती कर रहा है। हम भी दूसरों के लिए विनती करने के लिए विश्वास योग्य होना चाहिए। हमें भी दूसरों के लिए प्रेयर करना चाहिए। हमें भी दूसरों के लिए हमेशा विनती करते रहना चाहिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वह हमारी सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करता है कि हम सह सकें। पहला कुरंती 10:13 में पढ़िएगा, परमेश्वर हमारे बल को जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वह हमारे सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, वरन परीक्षा के साथ हमारा निकास भी कर सकता है। परमेश्वर हमारे बल को जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। मनुष्य परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकता। यीशु सब प्रकार की परीक्षाओं में से गए, परंतु पाप रहित थे। इसलिए वह उनकी सहायता कर सकता है जो परीक्षा में से जाते हैं। इब्राहिम के पर में आप जानते होंगे कि इब्राहिम ने कड़ी परीक्षा में यह साबित कर दिया कि वह अपने बेटे इसहाक से अधिक परमेश्वर ही से प्रेम करता है। आप पढ़िएगा इसका रेफरेंस उत्पत्ति 22:1 में। वह अपने बेटे को बलिदान करने के लिए भी तैयार था। जब इसहाक ने होम बलि के मेमने के बारे में पूछा, उसने कहा, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। तभी वहाँ पर उसका नाम यहोवा रखा गया। परमेश्वर सच में उपाय करने वाला परमेश्वर। यदि जब हम परमेश्वर से पूर्ण रीति से परमेश्वर के प्रेम में हम पाए जाते हैं, पूर्ण रीति से उस पहला प्रेम में, चाहे जो मर्जी हो जाए, और हम उस समय उसी परिस्थिति में और उस टाइम हम उस बुरी परिस्थिति में जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं, और हमारे दिमाग में दोनों चीज़ चल रही हैं, एक तो परमेश्वर का पहला प्रेम है, और दूसरा यह है कि जो हम परिस्थिति से जा रहे हैं उसका परमेश्वर कैसे उपाय करेगा। और यदि जब आपके मन में पहला प्रेम है और परमेश्वर के प्रति उस वह अगापे प्रेम है, तो परमेश्वर जरूर उपाय करेगा, जैसे कि इब्राहिम के लिए किया। यह इब्राहिम का विश्वास था। जब हम परीक्षाओं में से जाते हैं तो विश्वास के साथ बोलना चाहिए। परमेश्वर ने बलि के लिए मीणा तैयार करके रखा था। परमेश्वर उसकी परीक्षा में उसके प्रति विश्वास योग्य रहा और बचाव का उपाय भी किया। परमेश्वर के वायदों पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि आप परमेश्वर के वायदों को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के वायदे को याद किया कीजिए, और परमेश्वर के वायदे को रोज बोला कीजिए, और उससे आपको ही आव होगा। परमेश्वर हमें सब प्रकार की बुराई से बचाने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारे जीवन में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वचन कहाँ लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। अब दूसरी थिस्सलुनीकियन 3:3 में पढ़ेगा, हमारे जीवन में कई खतरे आते हैं और दुर्घटनाएं होती है, परंतु परमेश्वर उन सब से हमें बचाता है। सच में बचाता है परमेश्वर। मेरे साथ भी ऐसे कई बार हो चुका है कि परमेश्वर ने मुझे कितनी बार एक्सीडेंट से और मौत के मुंह से बचाए हैं। आप भजन संहिता 91:9-11 तक पढ़ सकते हैं। उसका वादा है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मतलब कोई बुराई तेरे डेरे के निकट आएगा। महामारी और बीमारियां बुराई से भरी हैं। आज बहुत सारे लोग खतरनाक बीमारियों से मर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के लोगों को ऐसी बीमारियों से डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के वायदों पर हम दावा करना चाहिए। परमेश्वर का जो वायदा है उसको आप बोलिए, और परमेश्वर के वायदे पर दावा कीजिए कि आप मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इस तरह से आप वायदा कीजिए, उस पर दावा कीजिए। परमेश्वर के वायदों पर हम दावा करना चाहिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह हमें स्थिर करेगा और सब प्रकार की बुराई से वह हमें बचाएगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ।
वाकई में परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला यह हुआ है। परमेश्वर मुझे कितनी ही बीमारियों से परमेश्वर ने बचाया है और मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। मैंने परमेश्वर को कभी दोष नहीं लगाया। सच में परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो क्या आज आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति? आज आप खुद पर रखिए और जांचिए, परमेश्वर विश्वास योग्य है। लेकिन क्या आज आप परमेश्वर पर विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर चंग बोलता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ये हुआ हूँ, और जैसा उसने परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वैसे उसने मेरे जीवन में किया है। जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। जब प्रभु कोई वायदा करता है तो उसे पूरा भी करता है। मसीह यीशु में उसके सारे वायदे हाँ और आमीन हैं। बुढ़ापे में भी इब्राहिम ने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। देखिए कितनी सुंदर और कितनी गहराई की बातें हैं कि बूढ़ा होने पर भी यदि विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया बल्कि क्या किया? दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, ग्लोरीफाई किया। रोमियो 4:20-21 में आप पढ़ सकते हैं, घर में अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी अवस्था जान कर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ बल्कि वह दृढ़ खड़ा हुआ और परमेश्वर की महिमा की। सारा ने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। उसने प्रतिज्ञा करने वालों को विश्वास योग्य जाना। विश्वास आत्मा का फल है। हम गैलेशियंस 5:22 से पढ़ सकते हैं, यीशु विश्वास योग्य साक्षी। कितने से रेफरेंस मैंने आपको बताया है कि यीशु विश्वास योग्य है, उसका मैंने आपको रेफरेंस बताया है। प्रकाशित वाक्य 1:3 में पढ़िएगा, यह दर्शन पुराने नियम के संतों को नहीं दिया गया। हम सौभाग्यशाली लोग हैं इस अनुग्रह काल के युग में कि जो कुछ यीशु ने अपने पिता के राज्य में देखा उसे हम पर प्रकट किया। देखिए यूहन्ना 14:1-3 में पढ़िएगा और इफिसियंस 3:5-6 में, हम भी विश्वास योग्य साक्षी बनना चाहिए। हमें सियोन और नए यरूशलेम की गहरी सच्चाइयों और प्रकाशनों को दूसरों पर प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने हमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेरित कहता है, हमारा संगति पिता और उसके पुत्र से है और तुम्हारी संगति हमारे संग होनी चाहिए। यदि प्रभु के आगमन में उठाया जाना है तो प्रेरितों की कलीसिया की संगति करना अनिवार्य है। क्या आज आप भी प्रेरितों की कलीसिया की संगति करते हैं और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे? जो संतों के साथ संगति करते हैं उनकी संगति यीशु के साथ भी होती है। कई लोग सोचते हैं कि हमें संगति करने की क्या ज़रूरत है, हम तो घर में ही बाइबल पढ़ सकते हैं, हम घर में ही प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं, गलत। यहाँ पर फिर परमेश्वर का वचन लिखा ही नहीं जाना चाहिए था और बताते नहीं परमेश्वर की संगति करना कितनी ज़रूरी है। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, तो क्या आज भी आप संगति करने में लवलीन है, रोटी तोड़ने में लवलीन है? प्रभु के आगमन में उठाए जाना है तो हमें क्या करना है? प्रेरितों की कलीसिया की संगति में करना अनिवार्य है और उसकी शिक्षा में पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लवलीन रहें। जो संतों के साथ संगति करते हैं उनकी संगति किसके साथ भी होती है? यीशु के साथ भी होती है। यीशु ऐसी कलीसिया लेने आ रहा है जिसमें न कलंक न झुर्री है। प्रभु के आगमन तक हम सच्चे प्रेरित की संगति में बने रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मा, प्राण और देह को निर्दोष और सुरक्षित संभालने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23-24 में पढ़िएगा, परमेश्वर की विश्वास योग्यता आकाश मंडल तक पहुँचती है। बहुत शीघ्र यीशु प्रकट होगा और तब तक उसकी विश्वास योग्यता हमें सुरक्षित संभालेगी। हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। हमें भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, प्रकाशित वाक्य 2:20 में। तो आज आप देखिए कि आज आप परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, तो क्या आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के साथ? आज आप भी विश्वास योग्य बने रहिए। इब्राहिम ने देखिए परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। इब्राहिम बूढ़े होने पर वो विश्वास योग्य बना रहा। तो देखिए क्या आज आप परमेश्वर की विश्वास योग्य, कैसा परमेश्वर विश्वास योग्यता में है? क्या आप भी हैं विश्वास योग्यता में? आज ही जांचिए और पर रखिए और देखिए कि आज आप कहाँ पर हैं। परमेश्वर का वायदा को पढ़िए
और उस पर दावा कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेंगे। सबको जय मसीह की।